नमस्कार, जीपीएल मिडवीक मार्केट व्यू में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते पहले निफ्टी से। निफ्टी अभी ट्रेड हो रही है 11,730 के आसपास। अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे हम यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी ने 29 मार्च को एक गैप अप ओपनिंग दिया था और उसके बाद लगातार निफ्टी पिछले 7-8 दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड में चल रही है। पिछले 7-8 दिनों के हम डेली चार्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे हमें स्मॉल बॉडी कैंडल्स ज्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब है निफ्टी एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रही है और उसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है जो कि गैप सपोर्ट है। वो गैप का ऊपरी अपर एज है 11,640 और निचला लेवल है 11,570। यहाँ पे निफ्टी के मोमेंटम की बात करें तो निफ्टी का मोमेंटम फिलहाल अभी भी स्ट्रांग है। आरएसआई अबव 60 चल रहा है जो कि एक स्ट्रांगनेस दर्शाता है और आने वाले दिनों में निफ्टी ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी को 11,570 का। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अभी ट्रेड हो रही है 30,250 के आसपास। यहाँ पे भी 29 मार्च को एक बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि 30,915। उसके बाद थोड़ा करेक्शन लेके बैंक निफ्टी 29,800 के आसपास सपोर्ट लेती दिख रही है हमें डेली चार्ट पे, जो कि एक पिछले पूरे रैली का 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है। और यही पे निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी बॉटम आउट हो रही दिख रही है हमें फिलहाल। अगर बैंक निफ्टी के मोमेंटम की बात करें तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम भी फिलहाल स्ट्रांग है, फिलहाल बहुत ही स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ऊपरी तरफ अभी बैंक निफ्टी को 30,915 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है और निचली तरफ ये जो 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल है जो कि 29,800 के आसपास आ रही है, वही हम उसको सपोर्ट दर्शाते हैं। अगर वो ब्रीच होती है तो बैंक निफ्टी 29,300 के आसपास आ सकती है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फिलहाल टाटा मोटर एक अच्छा काउंटर हमें लग रहा है आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से। टाटा मोटर अभी चल रहा है 215 के आसपास। अगर हम टाटा मोटर के डेली चार्ट की बात करें तो 9 अक्टूबर को यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल आया था और हाई वॉल्यूम था और उसका हाई था 206 जो कि उसके बाद ये 206 का हाई वॉल्यूम आज ही वो ब्रीच कर रहा है ऊपरी तरफ और पिछले चार पांच दिनों से वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है जो कि एक ब्रेकआउट की आसार यहाँ पे दिख रहे हैं। या आज के क्लोजिंग में अगर 206 के ऊपर क्लोज होता है टाटा मोटर तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऊपरी तरफ आने के ज्यादा चांसेस है और ऊपरी तरफ टाटा मोटर को फिर 260 से लेके 270 के आसपास एक मीडियम टर्म का टारगेट बनता दिख रहा है हमें और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 170। फिलहाल टोटल मार्केट की बात करें तो मार्केट का फिलहाल मोमेंटम स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में मार्केट थोड़ा सा कंसर्न होके ऊपर जाने के आसार ही ज्यादा लग रहे हैं। तो हम ट्रेडर को ये सूचित करना चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ब्लू चिप कंपनी में ट्रेडिंग या निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।